मेरी बेटी केवल एक ही काम करती थी और वो था पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ये शब्द कोलकाता के हॉस्पिटल में रेप और हत्या का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हैं। गरीबी के बावजूद एक पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसके सपने पूरे किए। अब पूरा देश ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। देश भर में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला कोलकाता के आर्चकर मेडिकल कॉलेज का है। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर देशवासियों में गुस्सा है, सरकार से बड़े सवाल है। इस बीच हम आपको डॉक्टर मनीषा का बयान सुनाते हैं। जानकारी दे देते हैं कि डॉक्टर मनीषा आर्चकर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी है। साल 2014 में उन्होंने अपनी यूजी डिग्री यानी एमबीबीएस की पढ़ाई इसी कॉलेज से की थी। तब से लेकर अब तक कॉलेज में हुए बदलाव को लेकर डॉक्टर मनीषा का क्या कहना है, सुनिए। मेरा यूजी कॉलेज आर्चकर मेडिकल कॉलेज था, जो कि 2014 के बैच में है। तो तब सिचुएशन में कंप्लीट की जब लाइक कि मेरा कॉलेज में ऐसा कुछ हीनियस हुआ होगा। अभी फॉर द लास्ट 4 to 5 years आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद माय कॉलेज, बट द थिंग व्हिच हैज कम अप दैट सच अ हीनियस क्राइम हैज बीन एनएक्टेड एंड मे गॉड नोस व्हाट इज रिस्पांसिबल, सिक्योरिटी हो कुछ भी हो, बिकॉज मेनी स्टोरीज आर कमिंग अप एंड देयर इज नो वैलिड रीजंस व्हिच इज ट्रू व्हिच इज नॉट। My request to each and everyone across India is that, being a girl, I feel that a girl is raped and murdered in the heart of the city of Kolkata, and that should be the issue, not doctors. Yes, she was an on-duty doctor, murder that comes later. At this century, a girl has been raped and murdered in such a heinous way, that should be the major issue. Over that, she is an on-duty doctor. There are reasons that we do not know, because at so many kilometers away from there, I know, I am only on phone calls that what is actually happening there. They only know and the parents of the deceased only know. We are facing the issue. But here, as a doctor, as a girl, first of all, I feel that there should be nationwide protest that the security of girls is questionable and what the measures we can take to avoid this horrible thing from happening, this should be the first issue. फिलहाल कोलकाता मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाली अपडेट में बता दें कि कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें प्रिंसिपल पर पैसों की हेरा फेरी करने का आरोप है। कोलकाता का ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन जोरों पर है। दरअसल 14 अगस्त के दिन थाने के एक स्कूल में 4 साल की 2 मासूमों के साथ छेड़खानी की गई। आरोप स्कूल के स्वीपर पर लगे हैं, जिसका नाम अक्षय शिंदे है। अक्षय को थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर रखा गया था। अक्षय ने गर्ल्स वॉशरूम में बच्चियों के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब सवाल सरकार से है, अब सवाल देश से है कि भारत की बेटियों को न्याय कब मिलेगा, कब बेटियां सेफ रह सकेंगी। लोकल 18 के लिए रीवा से वंदना रेवांचल तिवारी की रिपोर्ट।